माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 5 हमारा प्रवेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक जिसके सभी 19 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हमारा प्रवेश कक्षा 5 सभी पाठ सर्च कर सकते हैं, वहाँ सभी पाठ पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी उस प्लेलिस्ट की लिंक दी जाएगी। ये पुस्तक का अंतिम पृष्ठ, तो मैंने सोचा इस पृष्ठ को भी आप लोगों के बीच शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें दिया गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा समय दें, ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि निश्चित ही है कि हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये सब निरर्थक है। और हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम स्वच्छ रहेंगे, और स्वच्छ रहने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी पड़ेंगी। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि आप जीवन में सफल हों। इसमें हम जो भी आपका साथ दे सकें इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। खुले में शौच कभी ना करें, इससे विभिन्न बीमारियों के होने की संभावना रहती है। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियाँ खुले में शौच करने के बाद, वो जो जीवाणु विषाणु पानी के माध्यम से हमारे पीने वाले जल तक पहुँच जाते हैं, और वो हमें अतिसार, हैजा, पेचिस जैसी गंभीर बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो खुले में शौच बिल्कुल भी ना करें। गांव में अक्सर कर लोग खुले में शौच करते हैं, तो आप उनको, और अब घर घर शौचालय भी बनवाए गए हैं, अधिक से अधिक शौचालय का ही प्रयोग करें। ये एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। प्रतिदिन प्रातः काल शौच के लिए अवश्य जाएं। जी हाँ, शौच जाने का एक समय, पहले तो गाँव के लोग ये कहते थे कि सूरज निकलने से पहले, शौच करने के बाद स्नान भी कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सुबह आप उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पिए और उसके बाद शौच अवश्य जाएं। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। शौच के बाद पानी डालें। जी हाँ, आपका शौचालय स्वच्छ साफ सुथरा रहना चाहिए। शौच के बाद हाथों को सदैव साबुन तथा पानी से लगभग 20 सेकंड तक अच्छी तरह रगड़कर धोएं। जी हाँ, कम से कम 20 सेकंड तक। ऐसा नहीं कि साबुन लगाया, पानी डाला, हाथ धुल गए। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ना चाहिए। जितना साथियों, प्यारे बच्चों, जितना हमारा साबुन नहीं खर्च होता, अगर हम हाथों को ठीक से नहीं धोएंगे तो उससे ज़्यादा हमारा पैसा बीमारी पर खर्च हो जाएगा। किसी भी साबुन का प्रयोग कर, कपड़ा धोने वाला हो या फिर नहाने वाला हो, आप उस साबुन से हाथों को रगड़ रगड़ कर अवश्य धोएं। प्रतिदिन स्नान अवश्य करें। हर मौसम में, कभी कभी बच्चे सर्दियों में काफ़ी दिनों तक नहीं नहाते, लेकिन थोड़ी सर्दी जरूर लगती है, और हो सकता है तो थोड़ा पानी गर्म करवा सकते हैं, लेकिन स्नान प्रतिदिन करें। स्नान करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, हमें ठीक से भूख लगती है, हमारा मन अच्छा हो जाता है। दांत, मुंह, नाक, कान, आंख, नाखून, बाल व शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। आपके नाखून छोटे होने चाहिए, नहीं तो बहुत सारी गंदगी उनमें भर जाती। बाल हमारे छोटे होने चाहिए। आंखें हमेशा, जब भी बाहर से घर पर आए तो धुलते रहना चाहिए। कानों में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ना ही नाक में, उंगली भी नहीं डालनी चाहिए। दांतों को एक बार सुबह और सोते समय जरूर ब्रश करें। साथ में खाना खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। नियमित रूप से नाखून कटवाते रहें। छींकते व खांसते समय मुंह पर हाथ रूमाल रखें, बहुत ज़रूरी है। अब तो कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, तो अब तो ये आदत बना ही लो कि आपके पास हमेशा एक रूमाल होना चाहिए, और छींकते व खांसते समय हमेशा मुंह पर हाथ या रूमाल रखें। साफ बर्तन में खाना खाएं। जी हाँ, MDM विद्यालय में भी खाना खाने से पहले अपने बर्तन को बहुत अच्छे से साफ करें, और खाना खाने के बाद भी घर में साफ बर्तन लेकर आएँ। अपने घर, पास पड़ोस व विद्यालय को स्वच्छ रखें व कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालें। जी हाँ, अपने घर और विद्यालय और घर के बाद, ऐसा नहीं कि घर साफ करके कूड़ा गली में डाल दें। कूड़े को एक निश्चित स्थान पर डालें, और हो सके तो एक गड्ढे में या कूड़ेदान में डालें।
पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, कम से कम बहुत ही जरूरी हो तो हमेशा कपड़े, जूट व कागज के थैलों का प्रयोग करें, क्योंकि पॉलीथिन जल्दी से मिट्टी में गलती नहीं है और वो बहुत दिनों तक उसी मिट्टी में बनी रहती है, जो हमारी फसलों के लिए और जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। सड़क पर तथा आस पड़ोस के इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। तो ये थी कुछ अच्छी आदतें, अच्छी बातें, और आशा करते हैं कि आप विद्यार्थी हैं, एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है कि अपने शिक्षक की बात अवश्य माने, आपके शिक्षक जो भी बताएं उसकी बात माने, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी। कक्षा एक से लेकर एक और दो का गणित पढ़ाया जा चुका, कक्षा 3, 4, 5 की गिनतारा गणित की किताब के साथ उसके सभी पाठ पढ़ाए जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, अनवरत ये अध्ययन चलता रहेगा। आप थोड़ा समय YouTube पर, इस चैनल पर दें, अधिक समय तक नहीं आंखें लगाने चाहिए क्योंकि आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप अपनी किताबों को अधिक से अधिक पढ़ें और बाकी थोड़ा समय इस चैनल को दें, जिससे कि आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति हो सके और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।